हे गाइस, टुडे आई एम शेयरिंग माय वे टू लॉन्ग हेयर केयर रूटीन स्टेप वन। कभी भी हेयर को ऐसा ना मोड़े क्योंकि ये हेयर है, कोई फैब्रिक नहीं है। ओके, ऐसे करेंगे तो आपका बाल टूटेंगे और जड़ से पूरा निकल जाएंगे। इसे हल्का हाथ में प्रेस करते करते ऊपर से नीचे तक आइए, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा आराम से निकल जाएगा। स्टेप टू, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे ही कॉटन का टॉवल तो नहीं बोलेंगे, गमछा बोलेंगे, ऐसे ही पतला कॉटन का गमछा लेना है और हल्का हल्का प्रेस करना है, जिससे भी जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा गमछा जो है वो सोख कर लेगा। स्टेप थ्री, कभी भी गीले बालों में बन या कोई भी हेयर स्टाइल मत करिए। ऐसा करते हैं तो स्कैल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डैंड्रफ, इचिंग। ऐसे ही बालों को खुला करके नेचुरली सूखने के लिए छोड़ दीजिए। स्टेप फोर है सीरम। अपनी कोई भी फेवराइट सीरम ले लेना है। हल्का गीले बालों में सीरम जरूर अप्लाई करें, जिससे कि हमारा जो जितने भी टैंगल्स और नॉट्स आए होंगे हेयर पे तो वो रिमूव हो जाए। सीरम को हमेशा हेयर के लेंथ पर अप्लाई करें, ना कि स्कैल्प पे। जिनका भी हेयर लेंथ थोड़ा ज़्यादा है मेरे जैसे, तो सीरम अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनका शॉर्ट हेयर है तो सीरम बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप शॉर्ट हेयर और लॉन्ग हेयर को कंपेयर कर लो तो लॉन्ग हेयर में हेयर वॉश के बाद बहुत ज़्यादा टैंगल्स आते हैं, इसलिए उनको सीरम की ज़रूरत होती है। स्टेप फाइव, गीले बालों पे कॉम्ब बिल्कुल ना करें। फिंगर की हेल्प से हेयर को दो पार्ट पे डिवाइड कर लेंगे। देन छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड करके टैंगल रिमूव करेंगे जेंटली। इसे ही हल्के हाथ से टैंगल्स रिमूव करना है आराम से। सो वीडियो थोड़ी लंबी है पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। इसे टैंगल्स रिमूव करने के लिए आपको डायरेक्ट कॉम करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही बालों को सुलझा लो जैसे मैं दिखा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी 5 टिप वेट लॉन्ग हेयर केयर रूटीन, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप माय वेट लॉन्ग हेयर केयर रूटीन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। लव यू गाइज, बाय।